एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड स्टिक्स कैसे बनाएं। मैंने थोड़ी सी तैयारी पहले करके रख ली है। ये देखिए, इस टाइप से ये ब्रेड के हमने साइड्स कट कर लिया और ऐसे लंबे पीसेज में इसको कट कर लिया है। वाइट ब्रेड मैंने ली है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। आप हल्का से इस पर पानी भी लगा सकते हैं अगर ब्रेड फ्रेश नहीं है तो। फिर इसको हम ऐसे ना पिंच करते हुए साइड में ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। देख रहे हैं ना आप, इस तरह से पिंच करके इसको ज्वाइन कर देंगे और ब्रेड सॉफ्ट होगी तो ये बहुत आसानी से बन जाएगी। बहुत पेशेंस के साथ और हल्का सा हाथ से आप ऐसे इसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से भी आप एक बार ऐसे करके हाथ से, और ये नीचे भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा टाइट ऐसे कर दें, देख रहे हैं ना। इस टाइप से हमें इन स्टिक्स को तैयार करना है। ये लिया है हमने थोड़ा सा गार्लिक बटर, चिली फ्लेक्स, लहसुन को हमने बारीक काट लिया है 8 से 10 कलियां, और 1.5 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट बनने वाली ब्रेड स्टिक्स कैसे बनाते हैं। 1 टेबलस्पून हमने ये बटर इसमें डाल दिया है पैन में, पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम डाल रहे हैं इसमें गार्लिक और चिली फ्लेक्स। ठीक है, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, बस हल्का सा हमें सॉटे करना है, लहसुन का कच्चापन निकल जाए। ठीक है, बहुत अच्छी लगती हैं। ट्राई करने में क्या है, आप ट्राई करके देखिए, फिर खाकर देखिए, अगर पसंद है तो ज़रूर बनाइए। ठीक है ना, अब हम ये कटा हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि ब्रेड ये इसमें ब्रेड में भी हल्का सा होता ही है एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें भी जो बटर है हमने वो भी अमूल का लिया है, सॉल्टेड है। अब हम डाल देंगे ये स्टिक्स। वाओ, यमी। इनको उलटते पलटते हुए हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही सारे उसमें रोल हो गया है बटर में। मैंने 1 चम्मच बटर और डाला है क्योंकि ब्रेड सोक कर लेती है। आप चाहें तो पहले स्टिक्स पे भी बटर लगा के सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इनको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम इनकी करते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए, हमारी यमी सी गार्लिक ब्रेड स्टिक बनकर तैयार हैं। वाओ यमी, आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।